नमस्कार दोस्तों, ये रियल पे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के तरफ से मनी ट्रांसफ़र रिचार्ज एजेंसी फ्री में दी जा रही है, जो ऑफ़र कुछ दिनों के लिए है। अगर कोई भी व्यक्ति इसकी रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहता है तो वो संपर्क कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ये नंबर है, इन तीनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या realpay.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रियल पे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में एईपीएस की सर्विस है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र है, रिचार्ज है, बिल पे है और M2S है। आने वाले भी सर्विसेज हैं, अकाउंट ओपनिंग, BBPS, इंश्योरेंस की सर्विसेज ऐड होने वाली हैं जो कुछ दिन में ऐड हो जाएंगी। लेकिन कंपनी की तरफ से ये ऑफ़र है कि अभी कुछ दिनों के लिए ऑफ़र है, जिसमें आपको 1 रुपया चार्ज नहीं है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं जिस पे आपको रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा पोर्टल है ये, और इसका एंड्रॉयड ऐप भी है जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट और ईमेल आईडी वगैरह जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, AIR.tickets@gmail.com। अदरवाइज़ आप इन नंबरों पर संपर्क कर लें, मैं आपको करके दिखाता हूँ मोबाइल ऐप के ज़रिए कितना इजी है। ये देखिए, मैंने ऐप पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना, जिसमें तुरंत लॉगिन हो जाएगा। इसमें देखिए, मोबाइल, DTH, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डाटा कार्ड, रिचार्ज रिपोर्ट, POS रिपोर्ट, इजी फंड रिपोर्ट, मनी रिपोर्ट, DMR रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे आपको ऑप्शन में जाना है, यहाँ से रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, सारे जो भी रिचार्ज वगैरह हैं आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। एग्जांपल, मोबाइल रिचार्ज करना है आपको, मोबाइल रिचार्ज में आप नंबर डालेंगे। एग्जांपल, मैं कोई नंबर डाल देता हूँ। ये ऑटोमेटिक उसका ऑपरेटर नेम और सर्किल ले लेगा, ठीक है। ऑलरेडी ये सर्किल ले लिया, अगर कोई कस्टमर इवेंट फ्यूवर यूज़ करता है तो उसे कंफर्म कर लें। उसका जो भी, मान लीजिए अगर जियो का नहीं है, वोडाफोन, वोडाफोन कर दें, यूपी नहीं है वो है तो वो कर दें। इसके बाद अमाउंट डाल के ये प्रोसेस टू टॉप अप पे क्लिक कर दें, रिचार्ज तुरंत हो जाएगा। उसके बाद DTH रिचार्ज है, जिसमें कस्टमर आईडी जो भी वो डाल के ऑपरेटर का नाम डाल के रिचार्ज कर देना है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आपको कर लेना है। उसके बाद दिखाते हैं डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। देखिए, इजी फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। एग्जाम्पल, मैं ये नंबर डाल देता हूँ। कोई सा भी नंबर डालता हूँ, ये रजिस्टर्ड है, बिना रजिस्टर का देखता हूँ, ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये भी देख लिया जाएगा। ये मैं नंबर डाल दिया, सबमिट करते हैं। अगर इस नंबर से कोई बेनिफिशियरी ऐड है तो दिखा देगा, इसमें ऑलरेडी ऐड है। अगर ऐड नहीं है तो ऐड बेनिफिशियरी यहाँ जो ऊपर दिख रहा है रिसिप्ट के बगल में, उस पर क्लिक करना है। उसका नाम, OTP जाएगा, OTP बैंक डिटेल वगैरह भर के ऐड कर लेना है, या डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बिना बेनिफिशियरी ऐड के। यहाँ पर मेरे में है ऑलरेडी, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। इसमें अमाउंट डालता हूँ, अमाउंट डालने के बाद आपको सेलेक्ट ट्रांसफर टाइप पे क्लिक करना है। इसमें IMPS कर देना है कि तुरंत चलेगा। क्विक पे क्लिक करेंगे तो मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में जो इसका सरचार्ज है वो अन्य कंपनियों की अपेक्षा बहुत कम है, और सर्विस बहुत फास्ट है। मैं तो इससे भी यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज करिए। अभी फ्री में आईडी मिल रही है तो फ्री में आईडी लीजिए। मनी आप खुद खुद भी डाल सकते हैं अपने नेट बैंकिंग से, या बैंक में भी जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, या आप अपने जो भी आपका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास भी जाके आप जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ईमेल आईडी वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कंपनी की वेबसाइट का नाम है realpay.co.in या agent.realpay.co.in। धन्यवाद दोस्तों, कोई भी समस्या तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।